हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना 4 चैप्टर कंप्लीट किया था, अब हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर है स्टूडेंट कीज़ ऑन कीबोर्ड। अब स्टूडेंट, ये चैप्टर कीज़ ऑन कीबोर्ड क्यों बोला गया है, कीज़ ऑन कीबोर्ड का क्या मतलब हुआ। अब हम जो कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD से A से लेके Z तक, उसमें नंबर्स होते हैं 0 to 9 तक, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको जो है बताएंगे कि क्या किस हम वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स के भी कीज़ होती हैं, ठीक है, स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं वहाँ। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके अलावा और भी कीज़ होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कि वो कीज़ क्या वर्क करती है, किस तरह से वो वर्क करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके ऊपर सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी कीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है और क्यों इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और कीबोर्ड में किस की को हम किस की के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है कीबोर्ड बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपके पास माउस भी अवेलेबल नहीं हो तो भी आप कीबोर्ड से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। देखिए कीबोर्ड क्या बोल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट मी एंड माई कीज़। क्या बोल रहा है ये कि स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी नो, हमें पता है कि उसके ऊपर कीज़ होती हैं। नाउ आई एम हेयर अगेन टू टेल यू अबाउट सम स्पेशल कीज़। अब ये कीबोर्ड क्या कह रहा है कि मैं आपको अपने स्पेशल कीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि उसके ऊपर जो कीज़ होती हैं उनकी स्पेशल कीज़ के बारे में वो आपको बताएगा, वो डिस्कस करेगा, ठीक है। तो वो स्पेशल कीज़ क्या होती है और कैसी होती है वो हम यहाँ देखेंगे। इफ़ यू लुक एट द कीबोर्ड, आप अगर स्टूडेंट्स आपके घर में कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है तो प्लीज़ आप वहाँ पर चेक करिए, है ना, आप कीबोर्ड को देखिए। इफ़ यू लुक एट द कीबोर्ड, आप अगर कीबोर्ड को देखते हैं, यू विल फाइंड दैट, आप क्या देखते हैं और क्या ढूंढते हैं, मोस्ट ऑफ द कीज ऑफ द कीबोर्ड हैव टू कैरेक्टर्स एम्बेडेड ऑन देम। एम्बेडेड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्बेडेड मतलब एक के साथ एक और उसके ऊपर है, ठीक है। एम्बेडेड मतलब उसके एम्बेडेड मतलब होता है कि उसके ऊपर गड़ी हुई है, ठीक है, उसको एम्बेड किया गया है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कीज ऑफ द कीबोर्ड हैव टू कैरेक्टर्स एम्बेडेड ऑन देम। आप अगर कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको आप कीबोर्ड की एक एक की को अगर देखेंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा कि बहुत सी कीज के ऊपर दो चीज़ें जो होंगी, दो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। आप किसी भी की के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, दो चीज़ें बनी हुई होंगी, ठीक है। द लोअर सिंबल ऑन अ की इज फेड टू द कंप्यूटर ऑन बीइंग प्रेस्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसे दो कीज हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, आपका जो की है अवेलेबल, ठीक है, एक तो एक फुल स्टॉप होगा, ठीक है, ये आपका फुल स्टॉप आ गया, ठीक है, और सॉरी एक सेकेंड, हम लेते हैं एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लेते हैं, ये आया हमारा फुल स्टॉप, सॉरी स्टूडेंट्स एक मिनट, ये आया हमारा फुल स्टॉप, सॉरी हम दूसरी की लेते हैं। देखिए एक के ऊपर आपका एक की होगी जिसमें आपकी कॉमा इस तरह से बना हुआ होगा, ठीक है, और दूसरी की होगी आपकी उसी की के ऊपर इस तरह से एक मार्क होगा, और एक ये पूरी की होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो ये वाली है, ठीक है, जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, अगर आपको कॉमा चाहिए तो हमने जब प्रेस किया किसके ऊपर, जब हमने इस की के ऊपर प्रेस किया तो आपका ये कॉमा ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये वाला लेस देन आपको चाहिए, है ना, सॉरी ग्रेटर देन, अगर आपको चाहिए, ग्रेटर देन को लेने के लिए आपको
मतलब आपको जो है एक की का सहारा लेना पड़ता है। ये वाला जो आपका पॉइंट, ये वाला जो आपको कॉमा है की के ऊपर, ये आप जब उसको बटन को दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। एंड टू ट्रांसमिट द अपर कैरेक्टर वन ऑफ द शिफ्ट की इज प्रेस्ड साइमल्टेनियसली। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब जैसे आपने ये अपर कैरेक्टर, ये लोअर कैरेक्टर, इसे हम अपर कैरेक्टर कहेंगे, इसे हम लोअर क्यों, क्योंकि ये ऊपर बना हुआ है और ये नीचे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको अगर ये वाला कैरेक्टर चाहिए, ये कैरेक्टर के लिए आपकी कीबोर्ड पे एक बार आप देखेंगे तो वहाँ पे एक शिफ्ट करके लिखा होगा, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट की होगी। तो जब आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट की के साथ शिफ्ट की प्लस ये, मतलब शिफ्ट की और इसको आप साथ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स ये और ये कैरेक्टर है, ठीक है। आपको ये करना है तो कुछ प्रेस नहीं करना है, लेकिन जब आपको ये कैरेक्टर चाहिए तो आपको शिफ्ट की जो होगी उसको प्रेस करके रखना है और इसका ये बटन दबाना है। तो शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और ये बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रेटर देन साइन इसके ऊपर आएगा, ठीक है। फॉलोइंग आर दी सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिकग्नाइज्ड और एम्बेडेड ऑन द वेरियस की ऑफ दिस कीबोर्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला है कि फॉलोइंग आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और भी बहुत सारी कीज हैं जिन पे कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर रिकग्नाइज करते हैं हम उनको, एम्बेडेड हैं चीज़ें ऑन द वेरियस की ऑफ दिस कीबोर्ड, इस कीबोर्ड के ऊपर। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अल्फाबेट। अल्फाबेट कहाँ से, ए टू जेड, इसका मतलब 26 कैरेक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। सेकंड है आपका नंबर 0 to 9, ठीक है, 10 कैरेक्टर्स होंगे, 0 to 9 आपके नंबर्स अवेलेबल हैं। स्पेशल सिंबल्स क्या है, देखिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेस देन ग्रेटर देन डॉलर साइन हैश कॉमा सॉरी सिंगल कोड्स, ठीक है, ये सारे आपके जितने भी दे रखे हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके कीबोर्ड पे आपको शो होंगे, ठीक है। तो अगर आपके घर में कीबोर्ड अवेलेबल है, पीसी है, लैपटॉप है, तो प्लीज़ उसके ऊपर देखिए, कंप्यूटर के ऊपर देखिए कीबोर्ड पे कि आपके कौन सी कीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट सम स्पेशल कीज। स्टूडेंट्स इसमें बहुत सी स्पेशल कीज़ भी अवेलेबल है, तो अब हम देखेंगे कि स्पेशल कीज़ क्या वर्क करती है और कैसे वर्क करती है, ठीक है। हम स्पेशल कीज़ को वर्क करना सीखेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट है हमारा कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या काम करता है देखते हैं। बाय प्रेसिंग द कैप्स लॉक की यू विल गेट कैपिटल अल्फाबेट। अब स्टूडेंट्स जब हम कैप्स लॉक की, ठीक है, यहाँ पे आपको एरो के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये रहा आपका कैप्स लॉक की यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी जो की है ये कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की क्या करती है, जब आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने ये कैप्स लॉक प्रेस किया, यहाँ पे आपको जैसे ही आप कैप्स लॉक प्रेस करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ आप कोने में देखेंगे, ठीक है, कोने में आपके बीच में ये कैप्स लॉक का बटन होगा, सॉरी लिखा हुआ होगा और ऊपर उसके लाइट होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे लाइट जल जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि कैप्स लॉक की ऑन है, ठीक है। तो जब हम कैप्स लॉक की ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपके कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, When caps lock key is pressed, you will observe a green light on the upper right side. आप यहाँ पे ये देख रहे हैं अपर राइट साइड, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइट आपको शो हो जाएगी, ठीक है, किसके ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर शो होगी। Where caps lock is written, जहाँ पे क्या लिखा होता है caps lock, यहाँ पे अगर आप तीन देखेंगे तो वहाँ पे तीनों में से एक बटन होगा जो बीच का होगा, उस पर caps lock लिखा होगा, ठीक है। For typing the small letters, अगर आपको स्मॉल लेटर्स टाइप करने हैं, अगेन प्रेस द कैप्स लॉक की, आप दोबारा से कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे, द लाइट विल गेट ऑफ,
जो वहाँ पे लाइट होगी कैप्स लॉक की पे वो क्या है बंद हो जाएगी एंड यू विल गेट स्मॉलर लेटर्स, और उसके बाद आप लेटर टाइप करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में होगा। इट मींस क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर आपको कैपिटल चाहिए तो कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, ठीक है, देखें चेक करेंगे वो ऑन है या नहीं है, हम लाइट देखेंगे लाइट है या नहीं है, ग्रीन लाइट आई है कि नहीं है, अगर ग्रीन लाइट आई है तो हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, अगर ग्रीन लाइट नहीं आई है तो हम स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा आपको स्मॉल लेटर्स में करने के लिए वापस से आपको कैप्स लॉक जो है ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आपका यहाँ पे ही हम चैप्टर रोकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।